अक्सर बुरा वक्त हमें कई सारी महत्वपूर्ण चीजें सिखा देता है और ये हो भी रहा है आज, जहां पूरा देश 21 दिनों के लिए कोविड-19 वायरस के वजह से लॉकडाउन की अवस्था में है, वहीं दूसरी तरफ इस वायरस के जन्म स्थान यानी चीन, इसे सफलतापूर्वक नियंत्रण में ले लिया गया है। फिलहाल के लिए भारत के अंदर यह लॉकडाउन और कितने दिनों तक चलेगा यह अभी कह पाना कठिन होगा, परंतु इतना जरूर ही कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द हमारी सरकार इससे निपटने के लिए कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेगी। खैर, कोविड-19 के लिए किया गया यह लॉकडाउन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन के जरिए वायरस के संक्रमण करने के चक्र को काटा जा सकता है, जिससे भविष्य में और अधिक संक्रमण की घटनाएं सामने नहीं आएगी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आज इस वीडियो में हम लोग कोविड-19 वायरस को चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश कैसे अपने नियंत्रण में लाने में सक्षम रहे, इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानते रहिए नोवल कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें। दोस्तों, मैं अमित आपका अभिनंदन करता हूँ मेरे चैनल साइंस मिस्ट्री में। इस चैनल का मकसद है कि आपको विज्ञान से जुड़ी हर एक चीज का नॉलेज दे सके, ताकि आप विज्ञान की इस दुनिया को और करीब से समझ सके। तो दोस्तों, अपनी इस विज्ञान की नॉलेज वाली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास में लगी नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए कोई भी नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आपका इस विज्ञान के रसमई दुनिया से जुड़े हुए एक भी मेरी एपिसोड मिस न हो। वैसे मित्रों, विदेशों की नोवल कोरोना से जुड़ी जंगों के बारे में बात करने से पहले चलिए सबसे पहले इस वायरस के जन्म स्थान यानी चीन के वुहान शहर के बारे में जान लेते हैं। 13 फरवरी यह वही तारीख था जिस दिन एक अमेरिकी पैथोलॉजी लैब ने सबसे पहले दुनिया के सामने कोरोना वायरस के बारे में पुष्टिकरण जताया था। बता दूं कि इससे पहले लगभग 2 महीने तक चीन ने इस वायरस के विषय में अन्य किसी देश को कुछ भी नहीं बताया था। खैर, प्रारंभिक अवस्था में इसे SARS-CoV-2 के नाम से पुकारा जाता था, जो कि बाद में परिवर्तित होकर नोवल कोरोना हो गया। वैसे संक्षिप्त में मैं बता दूं कि कोरोना एक प्रकार से वायरस की एक श्रेणी है, जिसमें नोवल कोरोना वायरस भी शामिल है। वैसे फरवरी के महीने तक चीन में लगभग 60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके थे और इसमें 1,370 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। वैसे गौरतलब बात यह है कि इस वायरस का लक्षण लगभग 2002 में हुए SARS-CoV वायरस के साथ भी मेल खाते हैं। 2012 में हुए MERS-CoV वायरस के साथ भी इसका मेल होता था। इसके अलावा वायरस की अनोखे आकार के कारण भी इसे जल्दी पहचाना भी नहीं जा सका। खैर, ध्यान में रहे कि वायरस एक प्रकार से सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि उसके लिए एक तरह के DNA का काम भी करता है। बाद में ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन एक स्तर में आबद्ध होकर रहता है। वायरस को आप साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, इन्हें देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान समय की बात करें तो अभी तक चीन में कोरोना से पीड़ित लगभग 81,218 घटनाएं सामने आई है, जिनमें से 3,281 लोगों की मौतें हो चुकी है और 70% से ज्यादा मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। यह संख्या लगभग 73,650 तक है। वैसे कोविड-19 को नियंत्रण लाने के लिए चीन ने कई सारे साहसी कदम उठाए थे, जिनमें से वुहान का फील्ड अस्पताल एक प्रमुख उदाहरण है। बता दूं कि इस अस्पताल को चीन ने लगभग 12 दिनों में बनाकर पूरे दुनिया की ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। अभी तो यह अस्पताल लगभग बंद होने के कगार पर है, परंतु आपातकाल के समय में इसमें 2600 से अधिक बिस्तर मरीजों के लिए थे। चीन ने शेंजेन, गुयांगजू, चेंगडू तथा वुहान आदि शहरों को पूरे तरीके से अपने फौज के मदद से लॉकडाउन कर दिया था, जो कि लगभग 2 महीने तक चला। इसके तहत ना तो कोई इन शहरों से बाहर जा सकता था और ना ही कोई अंदर से बाहर आ सकता था। इन लॉकडाउन का प्रभाव बाद में बहुत फायदेमंद साबित भी हुआ। इसके बाद चीनी सरकार ने अपने बड़े बड़े टेक कंपनियों को उनकी ऐप के माध्यम से संक्रमित हुए लोगों की पहचान करने के लिए कहा, जिससे कई हद तक काफी सारे पीड़ित लोगों की पहचान भी जल्द से जल्द हो सका। लॉकडाउन के दौरान
वहां पर चीनी सरकार ने पूरे चीन से लगभग 10,000 से भी ज्यादा चिकित्सा कर्मियों को तुरंत वहां पर नियुक्त किया। इसके अलावा कई हजारों सफाई कर्मचारियों को संक्रमित हुए शहरों को साफ करने का निर्देश दिया। इस काम में चीनी फौज भी शामिल थी। चीन के लोगों को एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहा गया तथा घरों से बाहर ना निकलने का निर्देश दिया गया, जिसे उन्होंने काफी संजीदगी से माना भी, जिसके फलस्वरूप आज चीन में पिछले 72 घंटों से कोरोना का एक भी नया घटना सामने नहीं आया है। चीनी मीडिया के मुताबिक अप्रैल 8 तारीख तक वहां पर सभी लगी पाबंदियां हटा दी जाएगी। आज दुनिया साउथ कोरिया को कोविड-19 से डटकर लड़ने के लिए शाबाशी दे रहा है, इसलिए हमारे लिए यह भी जरूरी बन जाता है कि हम भी साउथ कोरिया से कुछ सीखें। कोविड-19 को नियंत्रण में रखने के लिए दक्षिण कोरिया ने अपने विकसित तकनीकों का इस्तेमाल किया। बता दूं कि नोवल कोरोना मरीजों को ढूंढने के लिए दक्षिण कोरिया ने लोगों की क्रेडिट कार्ड ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को प्रयोग में लाया। दक्षिण कोरिया के कई दवाई बनाने वाली संस्थान बहुत तेजी से कोरोना के लिए टेस्ट किट बनाने लगी, जिसके कारण हर दिन लगभग 15,000 लोगों की निरीक्षण हो पाया। इसके अलावा सरकार ने सबसे पहले लोगों के घर पर रहकर काम करने का विकल्प प्रदान किया, जिससे लोगों में संक्रमण का दर बहुत ही कम हो गया। लोगों की मोबाइल फोन के डेटा के जरिए उनके रहने के जगहों पर जाकर कोरोना का टेस्ट भी किया गया। हालांकि यहां पर व्यक्तिगत डेटा को इस्तेमाल किया गया, परंतु अपने नागरिकों की जान दक्षिण कोरिया के सरकार के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास शायद हर एक असुविधा का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। वैसे जापानियों का अपने देश के प्रति संस्कृति से बहुत ही लगाव है। वो लोग किसी से मिलने के वक्त हाथ मिलाने के बदले सर झुकाकर एक दूसरे का आदर करते हैं। हमेशा से ही हाथ नियमित रूप से धोते रहते हैं तथा अपने परिवेश को साफ भी रखते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि दुनिया भर में सिर्फ जापानियों को ही फेस मास्क का अजब सा चस्का है। एक रिपोर्ट से पता चला कि आमतौर पर एक जापानी एक साल में लगभग 43 मास्क पहन लेता है। तो आप यहां से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो लोग अपने सेहत को लेके कितने गंभीर रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोविड-19 को नियंत्रण में लाने के लिए आप लोगों को सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का सही से पालन करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकार के ऊपर कोविड-19 लड़ने का काम हम नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार के इस मुहिम में हम लोगों को भी आगे बढ़कर सरकार का साथ देना चाहिए और अपने देश में लागू हुए लॉकडाउन को सनियम पालन भी करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कोई नई रहस्यमयी विज्ञान की रोचक तथ्य लिए।